देख सकते हैं कि आलू फ्राई हो रहे हैं। ये देखते हैं कि हमने अपने हिसाब से डाल लेना है। अब हम जो मैं आलू फ्राई कर रही थी वो मैं निकाल लूँगी। आलू को थोड़ा सा हम करके अच्छी सा टेस्ट देंगे और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फ्राई किया है, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे हमारी डिश में। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी और जो घी है इसमें डालूंगी मैं सब्ज़ प्याज। ये मैंने सब्ज़ प्याज लिए हैं, एक अदद मैंने सब्ज़ प्याज लिया है, इसको मैं घी में डालूंगी। और प्याज का मैं तड़का बना लूंगी। तो अभी जो है तड़का प्याज का लग गया है, अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच से कम मैं हल्दी डालूंगी और तकरीबन आधा चम्मच ही मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी। और दो अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको काट के डाल दूंगी मैं। अभी मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसमें काट के डाल दी हैं। तो टेस्ट आप टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं बना रही हूँ इस बार नॉर्मल नमक मिर्च होगा, मसाला भी आपको नॉर्मल होगा। अभी मैं इसमें डाल दूँगी एक गिलास पानी का। एक गिलास पानी का और मैंने नूडल्स लिए हैं। नूडल्स भी मैं तीन पैकेट डालूंगी, जो घर में थे मैं वही नूडल्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी नूडल्स हैं तो आप उसमें डाल कर सकते हैं। हमें जो नूडल्स चाहिए उसका मसाला वगैरह नहीं चाहिए, अगर डालेंगे तो बस टेस्ट के लिए डालेंगे।
देखिए ये नूडल्स अभी बन रहे हैं, पानी खुश्क होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। तो ये देखें, ये अभी नूडल्स का तकरीबन पानी खुश्क होने ही वाला है। अभी ये आप देख सकते हैं कि नूडल्स का पानी खुश्क हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने 2 अदद ली है, अभी इसको डाल देंगे। जो शिमला मिर्च है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत ही अच्छी देती है। ये देखिए शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी, अब इसमें जो हमने आलू फ्राई किए थे वो डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी लग रही है। अभी हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। और 2 अदद मैं इसमें नींबू डालूंगी, नींबू का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी हमारी डिश तैयार हो गई है, अभी हम इसको निकालेंगे और सर्व कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी आज की डिश बनके रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ। अभी मुझको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।